नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः। क्षान्त्यार्जवादिगुणगणसुसाधनं सकललोकहितहेतुं शुभधामनिघातारं वन्दे धर्मं जिनेन्द्रोक्तं। भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी धर्म की व्याख्या में उन्होंने कहा है, नव देवताओं का वर्णन करते हुए चैत्य भक्ति में, क्षांत्यार्जवादि गुणगण सुसाधनम, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव आदि जो धर्म है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव आदि धर्म, ये गुणगण सुसाधनम संपूर्ण गुणों के मूल हैं, आधार हैं, संपूर्ण गुणों को पूर्ण कराने वाले हैं, अनंत गुणों को प्राप्त कराने वाले हैं। ऐसे गौतम स्वामी भव्यात्माओं आज दस लक्षण पर्व में उत्तम तप धर्म है, हम और आप उसको पूजा भी करते हैं, आप सब हम लोग साधुगण जाप करते हैं, आराधना करते हैं दस धर्मों की, अनेकों साधु उपवास करते हैं दस दिन का, कोई एकासन करते हैं आदि श्रावक गण, साधु के तो हमेशा एक बार भोजन एकासन ही है। भव्यात्माओं उत्तम तप धर्म क्या है इसकी व्याख्या भी आप सुनेंगे। पहले मैं आपको श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए, जो कि गौतम गणधर वाणी के नाम से मैंने जिसे 10 अध्याय में विभक्त किया है, उसके पढ़ने की पूजा करने की मैं आपको प्रेरणा भी देती रही हूँ। गत वर्ष भी मैंने कहा था इन 10 अध्यायों को आप 10 दिन एक एक अध्याय का वाचन करें, पढ़ें, अर्थ करें और 10 अध्याय की पूजा करें तत्वार्थ सूत्र की, जैसे आप करते आए हैं। भव्यात्मा इस 7वीं अध्याय में मुनि धर्म का बहुत सुंदर वर्णन है। सुदम्य आउस संतो, इतने प्रिय मधुर शब्द हैं श्री गौतम स्वामी के, सुदम्य आउस संतो, हे आयुष मंतो मैंने सुना है। यह खलु समणेन भयोदा महादि महावीरेण महाकश्यपेण सभनुना सवलोक दर्शिना सदैवासुर मानुषस्य लोकस्य। वो कहते हैं मैंने सुना है किनसे, भगवान महावीर जो श्रवण दिगंबर जैन महामुनि को की मुद्रा को धारण करने वाले, ऐसे भगवान महाति महावीर महाकाश्यप गोत्री जो कि सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, उनसे मैंने यहीं पर भरत क्षेत्र में उनके समोसरण में बैठकर मैंने सुना है। श्री गौतम स्वामी कितने आदर से कह रहे हैं, हे भव्यात्माओं आयुष्मंतो आयुष्मंतो, भगवान महावीर कैसे हैं, सदैवासुर मानुषस्य लोकस्य आगदी गदि चौणो वादम वादी, बहुत सुंदर वाक्य हैं कि देव असुर मनुष्य सहित जो ये तीनों लोक हैं, अर्थात अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में रहने वाले मनुष्य असुर देव आदि, यही सब भगवान का उपदेश सुनते हैं, उनसे सहित इस लोक का, इस लोक में आगदी गदि जीव कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं आदि उनका वर्णन, चवणों वादम जीवों का जन्म, चवन च्यवन यानी जन्म, उपाद च्यवन यानी मृत्यु, च्यवन यानी च्युत होना मरण प्राप्त करना और उपाद मान जन्म, बंधम मोक्षम विड्डिम ठिदिम जुदिम अनुभागम, बंध मोक्ष कैसे कर्म से बंधे हैं उनके कारण आदि, कैसे छूटेंगे मोक्ष, मोक्ष का वर्णन, रिद्धि स्थिति युति अनुभाग कर्म के फल देने की शक्ति आदि, तर्क तक्कम कलम मनो मानसियम भूतम कयम परिसेवियम आदि कमम अरुकमम सवलोये सब जीवे सब भावे सबम समम जानंता प्रसन्नता विहर माने, इन सब चीज़ों को जानते हुए देखते हुए और विहार करते हुए, विहरण भी कर रहे हैं भगवान महावीर यानी साक्षात विराजमान हैं। जब समोसरण विघटित होता है तो केवलियों का श्री विहार होता है और चरण कमल तल कमल है नवते जय जय वान, आकाश में इधर विहार होता है तीर्थंकर भगवंतों का और चरण कमलों के नीचे दिव्य देवगण सुगंधित कमलों की रचना करते जाते हैं, स्वर्णमयी कमलों की रचना करते जाते हैं, ऐसे विहार करते हुए भगवान महावीर। उनसे क्या सुना है, श्रमणानम पंच महाव्रतानी, श्रवणों के लिए मुनियों के लिए जो धर्म है 5 महाव्रत, राय भोयर्ण वेरवण छठानी, रात्रि भोजन त्याग नाम का 6ठा अनुव्रत और स्वभावनानी
भावना सहित अर्थात 25 भावनाएं मानी हैं, समावगवदानी मातृका पद सहित, पांच समिति तीन गुप्ति सहित, सउत्तर पदानी उत्तरगुण, उत्तरगुण तो 84 लाख उत्तरगुण है, बहुत सारे 18,000 से 84 लाख उत्तरगुण आदि, और साधुओं के 34 उत्तरगुण माने हैं, 22 परिचय 10 धर्मादिक, तो भव्यात्माओं 28 मूल गुणादिक, इन सबको सम्मम धम्मम उपदेश दानी, श्रवणों के लिए मुनियों के लिए सम्यक धर्म का उपदेश दिया है, मैंने सुना है। गौतम स्वामी ने ये जो व्याख्या की है, केवली भगवान तीनों लोगों को तीनों कालों को जानते हुए वो आगति गति चौणों वादों में जो प्रकरण रखा है, इसमें बहुत सुंदर चीज़ें हैं, कभी विस्तार से मैं इनका वर्णन आपको सुनाऊंगी। धवला पुस्तक षटखंडागम की टीका धवला पुस्तक 13 जो कि मुद्रित है, उसमें 82वें सूत्र में केवली भगवान का, केवली भगवान की लक्षण करते हुए, केवल ज्ञान का लक्षण करते हुए उन्होंने केवली भगवान की में यही प्रकरण लिया है, आगधि गधि चौनो वादवादि, और उसकी टीका धौलाकार ने बहुत सुंदर की है, 346वें पेज से लेकर के 353 पेज तक बहुत सुंदर वर्णन है। मैंने जो अमृत वर्षिणी नाम की गौतम गंधर्व वाणी की टीका लिखी है उसमें उसको भी मैंने उद्धृत किया है, धौलाकार के उन टीकाओं को और उसको लेकर के मैंने उसका वर्णन किया है। तो भगवात्माओं इसी में गौतम स्वामी क्या कहते हैं आप देखेंगे, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, इसी में मैंने लिया है उनकी इन पंक्तियों को, ये सब पाक्षिक प्रतिमण से मैंने लिया है। जो सारो सब सारे सु सो सारो एस गोयम सारम झाणंती नाम न सब बुद्धे देशितम, हे गौतम वो कहते हैं, हे गौतम एस गोयम, हे जो सारो सब सारे सु सारे सार में सार सार में सभी सारों में सारभूत सार क्या है, झाणम तिनामे न ध्यान ध्यान नाम से जो कहा गया है वो सभी सारों में भी सारभूत है ध्यान। भव्यात्माओं ध्यान क्या है, ध्यान के वेद भी आप जानते हैं, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ये तो हमें और आपको ग्रहण करने योग्य है, आज धर्म ध्यान है संभव है पंचम काल में, शुक्ल ध्यान तो है नहीं, विधेय क्षेत्र मुनियों के होता है, धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान प्राप्त कर सकते हैं, और आरती ध्यान रोध ध्यान छोड़ने लायक हैं आदि, इसमें इन्होंने गौतम स्वामी ने कहा है कि इस धर्म के पालन करने वाले क्या कहा है, समा उपदानी सहोत्तर पदानी सम्मम धम्मम अनुपालयिता श्रवणा भयवंता निगंथा दोण, वो श्रवण भगवान, श्रवण को भगवान कहा है गौतम स्वामी ने, श्रवणा भयवंता निगंथा हूं सिजंती बुजंती मुचंती, वो श्रवण भगवान निर्ग्रंथ होकर के सिद्ध होते हैं मुक्त होते हैं। भगवात्माओं ये नियम है कि बिना निर्ग्रंथ अवस्था के सिद्ध नहीं हो सकते, कर्मों का नाश नहीं कर सकते, केवली नहीं हो सकते, मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। दिगंबर जैन परंपरा के लिए ये महत्वपूर्ण विषय गौतम स्वामी के मुख से निकला है। इस प्रकार गौतम गंधर्व वाणी में मैंने 7वां अध्याय संक्षिप्त में आपको सार रूप बताया। उत्तम तप धर्म, तप के 12 भेद हैं, तपो द्वादश धा प्रोक्तम, 12 भेद हैं, गौतम स्वामी ने भी कहा है प्रतिक्रमण में, 12 भेद में 6 तो बाह्य तप है, 6 अभ्यंतर, अनशन उमोदर व्रत वर्ष संख्यान रस परित्याग आदि, विविक्त सैयासन काय क्लेश, ये बाह्य तप लोगों को दिखते हैं, अनशन उपवास आदि करना, श्रावक भी करते हैं तपस्रण, तब अपनी शक्ति के अनुसार श्रावक भी करते हैं, अनेक प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान, मुक्तावली वगैरह व्रत, अनंत चतुर्थी व्रत, रत्नत्रय व्रत, सोलाकार व्रत, ये सब अनशन व्रत में सम्मिलित हैं, और अमोदर्य भूख से कम खाना, एक ग्रास आदि कम खाना, एक ग्रास लेना आदि आदि, रस परित्याग करना आदि, व्रत पर संख्यान तो मुनियों के होता है, कुछ नियम लेकर निकलना आहार के लिए, वियुक्त सैयासन एकांत पवित्र स्थान में शून्य अथवा मंदिर आदि में ध्यान आदि करना, और कायोत्सर्ग आदि, और अभ्यंतर तप हैं,
प्रायश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय विसर्ग ध्यान। इसमें गौतम स्वामी ने ध्यान को पांचवे नंबर पर लिया है, विसर्ग को छठे नंबर पर। भव्यात्मा प्रायश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय, इसमें जो स्वाध्याय है, प्रायश्चित भी दोष लग जाए गुरु से, जो प्रायश्चित दिया जाता है गुरु जो कुछ उसके दोस्त के ख्यालन के लिए जो कुछ नियम दे देते हैं वो प्रायश्चित कहलाता है। इसके बहुत सारे भेद हैं। विनय ये भी तप है, विनय करना, ज्ञान दर्शन चारित्र गुरु आदि की विनय करना, भव्यात्मा विनय तप है। स्वाध्याय, स्वाध्याय तप, श्री कुंदकुंद देव ने कहा है कि सबसे सभी तपों में स्वाध्याय एक महान है, विशेष है। आज मैंने स्वयं अनुभव किया है, मेरा जीवन स्वाध्याय से बना। बचपन में स्वाध्याय की प्रीति, स्वाध्याय का अभ्यास, स्वाध्याय की लगन, स्वाध्याय का एक व्यसन, उसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। बचपन में मैंने जो है स्वाध्याय करके जो कुछ पाया, स्वाध्याय आप करेंगे तो अमृत, जिन वचन मौसे विदम, जिन भगवान के वचन औषधि स्वरूप है, रसायन है, अमीभूतम अमृत स्वरूप है, रसायन है। और जन्म जम जरा बाह्य हरणम, जन्म मरण और बुढ़ापे इन सब व्याधियों को दूर करने वाले हैं जिन भगवान के वचन। आप नियम करें, आज तपस्रण के दिन नियम करें, तप के दिन नियम करें कि कम से कम हम उपवास आदि जो कर सके करें, महीने में एक उपवास का भाव भाएँ करें, अभ्यास डालें। यह भी आवश्यक है, बाह्य तप के बिना तीर्थंकर भी सिद्ध नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए, तो हम और आपकी तो बात ही क्या। और उसके साथ स्वाध्याय का नियम अवश्य करें, महीने में 25 दिन का स्वाध्याय का नियम कर लें, 20 दिन का स्वाध्याय का नियम कर लें, बिना एक पेज धर्म का धार्मिक पुस्तकों का एक पृष्ठ पढ़े बगैर सोएंगे नहीं, सोते समय पढ़ लें। भव्यात्मा स्वाध्याय अमृत है, रसायन है। आत्मा की शुद्धि सिद्धि, आत्मा की उपलब्धि, चित्त चेतन स्वरूप भगवान आत्मा, हमारी आत्मा भगवान आत्मा है। लेकिन वस्त्र में बैठे बैठे भगवान नहीं बन जाएंगे, ध्यान रखना। कोई कोई जो है छोटे छोटे बच्चों को भी रटाते हैं भगवान आत्मा भगवान आत्मा, और गुरु आते हैं तो बच्चे खड़े तक नहीं होते, उनको नमस्कार तक नहीं करते। ऐसे भगवान आत्मा नहीं करना, भगवान आत्मा आत्मा चित्त चेतन स्वरूप भगवान है, शक्ति रूप में, शक्ति रूप में भगवान आत्मा है, प्रकट नहीं है। उसे भगवान बनाने के लिए तपस्रण करना है, उत्तम तप का अभ्यास करना है। तो स्वाध्याय, स्वाध्याय करके अपने आत्मा को पवित्र और चारित्र में लगाएं। ज्ञान का फल क्या है, षटखंडागम में भी कहा है, ज्ञान का फल है चारित्र। अगर चारित्र नहीं धारण किया तो ज्ञान का फल नहीं मिला, केवल आनंद आनंद, ज्ञान में आनंद मानने से ही मोक्ष नहीं मिलेगा। धू सिद्धि तिथि अरो चौनाण जुदो करे तव्यरणम, नाउन धुअम कुजा तव्यरणम नाण जुतो भी। कुंदकुंद देव ने कहा है कि आप धू सिद्धि तिथ्यरो, तीर्थंकर की सिद्धि निश्चित है, नियम है कि इसी भव से मोक्ष प्राप्त करेंगे, फिर भी वो तपस्रण करते हैं। इसलिए आप ज्ञान युक्त होकर भी, समय सार आदि का अध्ययन करके भी आप नियम से चारित्र को धारण करें, तपस्रण करें आदि। तो भव्यात्मा उत्तम तप, मैं आपको जरा सा भगवान शब्दों के भावों पर भी आपको प्रकाश डालूं, सुना रही हूं। आपने सुना है सुविधि नाम से राजन, राजा ने सुविधि तपस्रण करके 11 प्रतिमा धारण करके विधेय क्षेत्र में छुल्लक बन करके पुनः निर्ग्रंथ दिगंबर बन करके समाधि पूर्व शरीर को छोड़ा तो अच्युतेंद्र स्वर्ग में देव हो गए, अच्युतेंद्र हो गए, अच्युत स्वर्ग में 16वें स्वर्ग में इंद्र हो गए। और उनके पुत्र केशव जिसके मोह में दीक्षा नहीं ले पा रहे थे, उसने भी जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और तपस्रण के प्रभाव से वो भी अच्युत स्वर्ग में प्रतिंद्र हो गया। भव्यात्माओं एक ध्यान रखना, देव योनि में माता के गर्भ से जन्म नहीं होता है, उपपाद सैया, अपने आप उपपाद सैया से जन्म लेते हैं, 16 वर्ष के नवयुवक के समान उठकर बैठ जाते हैं और उनके वहाँ घंटे बजने लगते हैं, आपस में देवगण उपस्थित हो जाते हैं, जय जयकारा होने लगता है और वो दिव्य अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि मैं सुविधि नाम का
राजा विदेह क्षेत्र में था, वहाँ से तपस्तरण के प्रभाव से, समाधि मरण के प्रभाव से, संलेखना के प्रभाव से अच्युत स्वर्ग में इंद्र हो गया हूँ, प्रसन्नता से उठते हैं और मांगलिक स्नान आदि क्रिया करके मंदिर में पहुँचते हैं। सबसे पहले अकृत्रिम जल मंदिर में पहुँच करके भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं। नियम है, कोई भी देव भले ही वहाँ मिथ्या दृष्टि भी क्यों न जाए, एक बार तो नियोग है, नियम है। जन्म के बाद 48 मिनट में जन्म हो जाता है, 48 मिनट के बाद, अंतर मुहूर्त के बाद नियम से भगवान का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, कुल देवता मान के करेंगे। ये हमारे देवता हैं, इनकी पूजा करना, आराधना करना हमारा कर्तव्य है। वो तो सम्यक दृष्टि थे, खूब भक्तिभाव से पूजा किया, तो भगवान ना उन्होंने अपने जीवन में अच्युत स्वर्ग में इंद्र बन करके और सागरोपमायु को प्राप्त करके खूब तपस्या किया है। वहाँ पर जो है नंदीश्वर द्वीप में जाना अष्टानिक पर्व में, और 16 कारण पर्व में, 10 लक्षण पर्व में, अनेक जगह मंदिरों में दर्शन करते, पूजा करते, भगवंतों की भक्ति करते हुए खूब धर्म की आराधना करना, मध्यलोक में आकर भगवंतों के समोसरण में भगवंतों के दर्शन करना आदि धर्म की आराधना किया करते थे, और वहाँ के दिव्य सुखों का उपभोग भी करते थे। हजारों हजारों देवांगनाएँ, अप्सराएँ, रानियाँ और हजारों हजारों देव, सामरिक देवादि परिकर सब में प्रसन्न मना भगवंतों के पंच कल्याणकों में जाते थे। तो भव्यात्माओं, ये तपस्या का फल, तपस्या का फल, दीक्षा का फल और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का फल, ये रत्नत्रय हमारी और आपकी आत्मा में प्रकट हो। इसीलिए धर्म की हम और आप आराधना उपासना करते हैं। इन धर्मों की आराधना और उपासना, भव्यात्मा ध्यान रखना, धर्मी जिनके अंदर धर्म है ऐसे देव, शास्त्र, गुरु आदि की आराधना तो सभी करते हैं, लेकिन धर्म की आराधना ये एक जैनों में ही एक पर्व पाए जाते हैं जिसमें धर्म की आराधना होती है। भगवंतों की आराधना के साथ साथ धर्म की आराधना होती है। 16 कारण पर्व में 16 कारण भावनाओं की पूजा, 10 लक्षण पर्व में 10 लक्षण धर्म की पूजा, उसकी जाप आदि करते हुए हम और आप अपनी आत्मा को पवित्र करें। ओम ह्रीम उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। महानुभाव, जिन धर्म को आत्मा में साकार करने के लिए मंदिर और जिन प्रतिमाएं, ये एक बहुत बड़ा अवलंबन होती हैं, साधन होती हैं, और इन्हीं साधनों का उपयोग करके आज मंदिर बनाए जाते हैं, वहाँ पर जा करके लोग धर्म की आराधना करते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे आचार्यों ने कहा है कि यदि कोई धनिया पत्ते के बराबर मंदिर या सरसों के बराबर भी प्रतिमा, जिन प्रतिमा का निर्माण करते हैं, तो उनके पुण्य की तुलना ही नहीं है संसार के अंदर। तो आप सोचिए कि 108 फुट की प्रतिमा जो मांगी तुंगी के पर्वत में साकार हुई है पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल प्रेरणा से, तो उस प्रतिमा का क्या कहना। आप विश्व की एकमात्र अखंड पाषाण में बनने वाली ये प्रतिमा रहेगी, और 108 फुट के भगवान ऋषभ देव की यह प्रतिमा पूरे भारतीय संस्कृति के लिए आन मान और शान है। तो 11 फरवरी से 17 फरवरी सन 2016 में जो इसका इतिहास बनने जा रहा है, लोकार्पण होने जा रहा है, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, महामस्तकाभिषेक महोत्सव हो करके जो प्रथम इतिहास बनेगा, आप सब उसके साक्षी बनेंगे। आपके घर का एक एक बच्चा इस प्रतिमा का दर्शन करे, ऐसा आपको पुरुषार्थ करना है। तो सब लोग आप पंच कल्याण महोत्सव की तैयारी करके और सन 2016 में फरवरी में मांगी तुंगी आइए। हम लोग भी पूज्य ज्ञानमती माता जी का पूरा संघ मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में ही विराजमान है, इसलिए आप लोगों को प्रेरणा देते हुए बहुत ही महान आनंद की अनुभूति हो रही है कि इस इतिहास के साक्षी बनने के लिए आप भूले ना।